हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया हूँ फिर से आज नई वीडियो लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगती होंगी, ये भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएँगे क्यों अच्छी नहीं लग रही है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम लोग डबल एक्सपोजर वाली फ़ोटो बनाने जा रहे हैं। तो ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये वाला, तो इस ब्लैक बैकग्राउंड को हम शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में। जैसे कि अभी यहाँ नहीं देख सकते हो, अब पिक्सआर्ट जब ओपन होगा तो आप सही से देख सकते हो। सो फाइनली अपने पिक्सआर्ट में ओपन हो चुका है, एंड हम अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पीएनजी को, पीएनजी मैंने पहले ही से बना रखी है, अगर आप नहीं बना पाते हो तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ से देख सकते हो, या आप मेरी आईडी से भी देख सकते हो, आईडी में जा कर के भी आप देख सकते हो। ओके, तो हम आधे पार्ट को इरेज कर लेंगे एकदम ओपेसिटी कम करके। ओके, देख सकते हैं इसे, मतलब इरेजर वाला इफेक्ट नहीं आएगा कि इरेज किया गया है। फिलहाल अब इरेज हो चुका है, सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, देख सकते हैं। इसको सबसे ऊपर ही सेट करेंगे, एंड नेक्स्ट फिर हम इसकी दूसरी पीएनजी ले लेंगे जो हमको नीचे सेट करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, और अलग अलग पोज बना करके अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो। सो फाइनली मैंने ऐसे एडिट कर लिया है, एंड डन कर लेंगे। डन करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ये लाइट पीएनजी में सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको हम बड़ा करके अपनी आधी से ज़्यादा फ़ोटो में सेट कर लेंगे, और ब्लेंड ऑप्शन में जा करके इसका स्क्रीन ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम इरेजर टूल में जाएंगे, एंड हार्डनेस को बढ़ा करके हम एक्स्ट्रा पार्ट वाले सारी चीज़ें इरेज कर लेंगे। फाइनली गाइस, हमारी इरेज हो चुकी है जहाँ जहाँ हमको इरेज करना था। ओके, देन डन करके हम ऐड फोटो में आएंगे, और ये वाली पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें वाइट इफेक्ट आ रहा है, वाइट विग्नेटी इफेक्ट आ रहा है। सो ये जितने भी मैंने पीएनजी यूज़ किए हैं, बैकग्राउंड यूज़ किए हैं, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रीसेट हैं, बहुत कुछ है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, और बहुत कुछ आप लोग के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं उसमें। ओके, तो हम इतना ये फेस पार्ट पे या जितना आया था एक्स्ट्रा पार्ट पे उतना इरेज कर लिया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, करीबन 70 तक कर लेंगे, एंड डन। डन करने के बाद हम ड्रॉ टूल में आके फ़ोटो को सेव कर लेंगे, और लाइट रूम में ओपन कर लेंगे लाइटनिंग करने के लिए। सो यहाँ पे हमारी फ़ोटो लाइट रूम में ओपन हो चुकी है, एंड हम एक्सपोजर को कम कर लेंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, और हाइलाइट्स को कम कर लेंगे, और शेडो को भी बढ़ा लेंगे, और वाइट्स को कम कर लेंगे, एंड ब्लैक्स को भी। अगर आप लोग लाइटरूम नहीं चला पाते हो तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप मेरे आईडी में जा कर के देख सकते हो। सो आगे वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे, वाइब्रेंस सही नहीं लग रहा है तो नहीं बढ़ाएंगे। ओके, कलर में आएंगे हम, ल्यूमिनस को रेड कलर के ल्यूमिनस को माइनस में कर लेंगे, एंड सेचुरेशन को प्लस में कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ओके, ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर के ल्यूमिनस को बढ़ा लेंगे, एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस ना ही चेंज करें तो बेहतर है। ओके, आगे बाकी अब आप अपने हिसाब से करिएगा। ये दो कलर, येलो एंड ग्रीन। अब ब्लू की बारी है, ब्लू में ल्यूमिनस कम करके हुई को एकदम माइनस में कर लेंगे, एंड इस ब्लू को भी सेम वैसे ही करेंगे, माइनस 100 पूरा कर देंगे, एंड इसको भी
कुछ इसी तरीके से करेंगे कि ल्यूमिनस पूरा कम कर लेंगे और सेचुरेशन को माइनस में कर लेंगे, एंड लास्ट वाला इसका ल्यूमिनस बढ़ा लेंगे और वी को माइनस 100 कर लेंगे और सेचुरेशन को थोड़ा सा या पूरा ही कर ले रहे हैं, पूरा 100 माइनस कर लेंगे एंड डन। डन करने के बाद अब वाइब्रेंस बढ़ाएंगे, ओके थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे 44 तक, सेचुरेशन को माइनस 14 या 10 तक रख लेंगे एंड इफेक्ट में आएंगे और सबसे पहले हम टेक्सचर को माइनस 35 टू 40 तक रख लेंगे एंड क्लैरिटी को 40 तक रख लेंगे एंड अब विग्नेटी को थोड़ा सा खाली थोड़ा ही सा बढ़ाएंगे 20 या 30 तक कर ले रहे हैं, 30 तक कर लेंगे एंड यहाँ पर गाइस फिर से हम जाएंगे थोड़ा सा कलर टूल में एंड मिक्स में जा करके रेड कलर के सबसे पहले वाले ऑप्शन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और सेचुरेशन वगैरह थोड़ा सा चेंज कर लेंगे एंड सेकंड रेड वाले को भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे बस, ओके। उसके बाद फिर अब हम डन कर लेंगे, डन करने के बाद हम देख सकते हैं कितना बढ़िया एडिट हो चुका है अभी कुछ स्टेप में, बट अभी ऊपर वाला फेस बाकी है, कुछ ख़राब लग रहा है, सो दैट्स वाई हम लोग जाएंगे सेलेक्टिव टूल में और ऊपर वाले फेस पे सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेलेक्टिव ऑप्शन आप लोग को सिर्फ प्रीमियम वर्जन में मिलेगा और ये प्रीमियम वर्जन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी फ्री में विदाउट पैसे दिए। तो यहाँ पे सेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा हम हाइलाइट्स ब्लैक्स एंड शेडो बढ़ा लेंगे और सेचुरेशन को माइनस में कर लेंगे, सेचुरेशन की वजह से थोड़ा सा गलत हो रहा था, ख़राब दिख रहा था और हम टेक्सचर को थोड़ा सा माइनस में कर लेंगे 20 तक एंड डन। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सेट हो चुका है और थोड़ा सा इस वाले फेस पे भी यहाँ पे बीच में सेचुरेशन ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि रेड कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वाइट एंड ब्लैक्स को बढ़ा लेंगे बस एंड डन। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया एडिट हो चुकी है। फिर से थोड़ा सेलेक्टिव में जा कर के हम फेस पे देख सकते हो काफ़ी मतलब गोरा टाइप में दिख रहा है, तो इसलिए हम इसके वाइट को कम कर लेंगे एंड शेडो को भी माइनस या थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे बस, जिससे कि कलर टोन बराबर से आ सके, या तो पूरा ही वाइट हो या तो फिर पूरा बराबर हो, इस वजह से थोड़ा सा सेट कर लेंगे एंड फिर डन कर लेंगे हम। कंट्रास्ट वगैरह सब सेट कर लेंगे जिससे बराबर दिख जाए, अगर आप लोग के फ़ोटोज़ में ये गलतियाँ नहीं होती हैं तो आप ना ही करें तो बेहतर है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी पूरी तरीके से फ़ोटो एडिट हो चुकी है, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितनी बढ़िया एडिट हुई है और देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। सो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगती है यार इस वीडियो को बनाने में, सो कीप सपोर्ट मी एंड फ़ोटो को सेव करते हैं थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन और कलर रिडक्शन को बढ़ा करके, इसमें शार्पनिंग भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 7 तक कर लेंगे और इतना करने के बाद हम अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइज हम अपनी फ़ोटो को सेव कर ले रहे हैं, बट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ, आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ इस वीडियो में, काफ़ी मेहनत लग जाती है। सो फाइनली गाइस फ़ोटो सेव हो चुकी है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।